नमो अरहंतारम नमो सिद्धारम नमो आर्यारम नमो अज्ञायारम नमो लोए सबसाहूरम शुद्धात्मान मणिकांतम साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्ट सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदादिवोजेन्द्रगोस्तुमंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम समय सार जिन देव हैं स्यादवाद जिन बैन मुद्रा जिन निर्गंता नमो करें सब चैन ये झाया झाणी कही कम कलंक दही नित्य निरंजन नान मैत्रेय परम प्रणवी मोक्षण चिंतहि जोइया मोक्षण चिंतन हो गेण निबद्धय जीव डव मोक्ष करिए सही सो। हे योगी तू मोक्ष की भी चिंता मत कर। सांसारिक चिंताओं की तो बात ही नहीं है, मोक्ष की भी चिंता मत कर। भी लगाना जरूरी है, मोक्ष की भी चिंता मत कर। जो जीव सांसारिक चिंताओं में ही उलझे हैं उनकी तो बातें ही नहीं, क्योंकि मोक्ष चिंता से नहीं होता। और बातें आपको बताई थी, जब मोक्ष भी चिंता से नहीं होता, सांसारिक कार्य भी चिंताओं से नहीं होते। पुण्य के उदय में कार्य अपने आप बन जाते हैं और पाप के उदय में कार्य के विकल्प करते रहो नहीं होते। चिंता अज्ञानमय भाव है। चिंता करने वाले ने ना अपने को जाना, ना पर को जाना, ना स्वतंत्र परनमन को जाना, अज्ञानी है। चिंता अज्ञानमय भाव है। जो अपने को नहीं जानते और वस्तु व्यवस्था को नहीं जानते वे ही चिंताओं में परेशान होते हैं। विचार किया जाए, ये तो नीतिकारों ने भी कहा है, यम चिंतयाम यम चिंतयाम सततम ऐसा विरक्ता। ये कल चर्चाएं चल सुनी, इसकी चिंता न करते हैं वो तो पुद्गल तुम्हारी चिंता को समझता नहीं, जीव तुम्हें दिखता नहीं। चिंता करने पर भी परिणमन आगे पीछे होता नहीं, न होता हुआ कार्य होता नहीं, होता हुआ कार्य चिंता नहीं करो तो भी होता है, सहज होता है, स्वयं ही होता है। विचार करो चिंता की सार्थकता क्या है, चिंता की सार्थकता क्या है। चिंता अज्ञानमय भाव है और जो अज्ञानमय भाव होता है वह बंध का ही कारण है, दुख का ही कारण है। जो अज्ञानमय भाव है वह बंध का ही कारण है, दुख का ही कारण है। चिंता छोड़ करके पुरुषार्थ करना चाहिए, उपाय का विचार करना चाहिए। उपाय का विचार करो,
इस कार्य के लिए हमारे क्या बुद्धिपूर्वक उपाय क्या है। कितने जीव रागादि कषायों की पूर्ति में आकुलित होते हैं, कितने जीव रागादि के अभाव की चिंता में मगन रहते हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, नहीं बंद चिंता से छुटे। कोई बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति और केवल चिंता ही करता रहे तो वह चिंता करने से बंध से थोड़ी छूट जाएगा। बंध छेदन का उपाय करेगा तो बंध से छूटेगा, बंध छेदन का उपाय नहीं करेगा तो बंध से कैसे छूटेगा। वह बंध छेदन का उपाय क्या है? कुंद कुंद स्वामी ने मोक्ष अधिकार की गाथाओं में क्या लिखा? बस भेद विज्ञान उत्कृष्ट उपाय है। बंधन को और अपने आत्मा को लक्षण भेद से भिन्न भिन्न जाने और बंध से विरक्त हो गए, अपने में रत हो गए। क्या जाने अपने को? मैं ज्ञाता स्वरूप हूं, मैं दृष्टा स्वरूप हूं, मैं चेतक हूं, और जो भाव हैं वो मेरे से भिन्न हैं, न्यारे हैं। सोचो पराए घर में अपनी चिंता से क्या होगा, तुम्हारी क्या चलेगी, और अपने घर में अपनी चिंता कर करके क्या करोगे। अपने घर में या अपने स्वरूप में अपने परिणमन में चिंता करने से हानि क्या है, लाभ क्यों नहीं है? क्या अपने परिणमन को भी तुम आगे पीछे थोड़ी कर पाओगे? तादृशी जायते बुद्धि तादृशा व्यवसाय का भवंती तादृशा संति यादृशी भवितव्यता। बहुत आदत पड़ी है दूसरों का दोष देखने की, दूसरों की चिंता करने की। विचार करो कि दूसरों का दोष देखने से या दूसरों की चिंता करने से क्या लाभ होगा तुम्हें। बुद्धि भवितव्य के अनुसार हो जाती है। चार गति के जीव हैं तो उनके चार गति में जाने योग्य भाव होंगे, सबके भाव एक से कैसे हो जाएं? अरे एक हाथ की एक पांच उंगलियां भी एक सी नहीं है। अपन लोगों की कह रहे हैं, दूसरों की नहीं कह रहे। जो बाहर बैठे हैं, जो यहां नहीं बैठे उनकी नहीं कर रहे। हम आपसे भी कह चुके, जो सामने नहीं हो उसकी चर्चा भी मत सोचो, मत सोचो उसके बारे में, सोचो ही नहीं। जब वो सामने ही नहीं है तो सोचें क्या, बोलें क्या। अपना काम जिम्मेदारी से करो, दूसरे के काम में हस्तक्षेप मत करो। समझाने की आकुलता होती है, समझने की चिंता नहीं है। ये मोह की ऐसी छटा है कि हम अपने को सही माने बैठे, हम सही हैं। ये नहीं सोचते छदमस्त अवस्था है, हमारी भी भूल हो सकती है कुछ। हमारी क्या गलती है, हमारी क्या भूल है? अरे भाई हमारी भी गलती हो सकती है, और गलती क्या हो सकती क्या है ही, जो हम अपने को अधिक दिखना चाहते हैं, ये हमारी भूल है। समझा नहीं बैठ जाओगे, चाहे कोई आ जाए, चाहे कहीं से आ जाए, चाहे कुछ करने लगे, समझा नहीं बैठ जाओगे। तुम्हें क्या लेना देना, तुम अपना काम करो।
जब उस दिन भगवती आराधना की चर्चा सुनाई थी तुम्हें कि संघ का ऐसा अनुशासन होता है परस्पर में चर्चाएं नहीं करती, परस्पर में चर्चाएं करने से अनुशासन भंग होते हैं। आचार्य से चर्चा करो, परस्पर में चर्चा करोगे तो क्या करोगे, ये ऐसा है वो ऐसा है, जी ये कर रहा है जी ये कर रहा है, और यहाँ ऐसा है वहां ऐसा है, बस वो आचार्य से चर्चा करोगे तो अपने दोषों की करोगे, अपने गुणों की करोगे, अपने पूछ, लेकिन नहीं। और आचार्य से भी फालतू चर्चा मत करना। प्रवचन सार जी में एक विषय बताया कि गुरुओं की संगति करना ये अज्ञानी जीवों से, लौकिक जीवों से कहा, और गुरुओं से कहा, साधुओं से कहा, लौकिक जीवों की संगति मत करना। तुमसे कहना इनके पास बैठो, और इनसे कहना तुम इनके पास मत बैठो, क्या हो गया, बड़ी आफत हो गई, भिड़ा दिया एक तरह से, नहीं नहीं भिड़ाया नहीं। लौकिक जीवों की मत सुनना, लौकिक जीवों के प्रति आकर्षित नहीं होना, उनके भोग से ओ मकान बढ़िया है, पैसा तुम पर बहुत है, फलाना ये है, छयोसम अच्छा है तुम्हारा। अरे छयोसम अच्छा उसका मानना जिसका छयोसम अपने में लगे, जो पर में लगता है वह छयोसम अच्छा नहीं होता। इसकी निगाह अच्छी है, अच्छी निगाह ये है जो अपनी ओर है, अपने दोष देख रही है, अपने गुण देख रही है, अपने में संतुष्ट हो रही है, अपने में लगने का प्रयास कर रही है, अपनी भावना भा रही, वो निगाह अच्छी है। बुद्धि उसकी अच्छी है जो बुद्धि अपने में लगती है, जो बुद्धि अपने को छोड़ करके पर में प्रवर्ती है, पद्मनंदी स्वामी ने उस बुद्धि को व्यभिचारिणी बुद्धि कहा। क्या व्यभिचारिणी स्त्री को अच्छा कहा जाता है, बोलो बोलो कहा जाता हो, तुम्हारा मन अच्छा मानता है, चाहे वो कितनी सुंदर हो, चाहे कितना ही बढ़िया संगीत जानती हो, चाहे कितनी बढ़िया रोटी बनाती हो, सारी कलाएं आती हूं उसको शौक श्रृंगार की, कितने वस्त्र आभूषण हो, कितना ही सुंदर रूप हो, लेकिन नहीं, जो स्त्री व्यभिचारिणी है वह प्रशंसनीय नहीं होती। शीलवती स्त्री यद्यपि कम सुंदर हो तो भी प्रशंसनीय है, रूप की शोभा शील से है, रूप की प्रशंसा शील से है। इसी प्रकार आप समझना, बुद्धि की शोभा काय से है, सील से है, आचरण से है। बैठ गए समझाने ये गुरु बन करके, हम समझा देंगे, हम कर देंगे, हमारे हिसाब से चलो। जब हमने आपसे कहा पद्म पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं आत्मा का गुरु आत्मा है, तो उसका अर्थ समझो, क्या चाहे किसी के गुरु मत बन जाओ और चाहे किसी को गुरु मत बना बैठो, चाहे किसी के गुरु मत बनने लगो और बता देना निर्देशन करना, ये गुरुता तो है ही, और है क्या आचार्य तो करता है काम भोग बंधन की कथा का। तुम कहां से आए, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कितने पढ़े हो, तुम कौन हो, कहां करे हो, अरे तुम्हें क्या लेना देना, ये काम इस व्यवस्थापक का करेगा अपना, तो वो नहीं करे तो हम करें। अच्छा कुत्ता नहीं भौंके तो गधा भौंके तो क्या होगा, डंडा पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे। नीति में लिखा है जिसका कार्य उसको शोभता है और करे तो, चोर घुस गए तो भौंकना कुत्ते का काम है, अब कुत्ता नहीं भौंका उसने कहा हमें रोटी तक नहीं दी, हम काय को भौंके, हम नहीं भौंक रहे, तो गधे ने सोचा हमें ही भौंक दे रेंक दे, तो अब गधे के रेंक को कौन समझेगा, उसने दो डंडे बजा दिए। हंसने की बात नहीं है, समझने की बात है, दूसरे के कार्य में बिल्कुल हस्तक्षेप मत करो, खुद न्याय अपने हाथों में मत ले लो,
शील कथा में सेठ को बुला करके राजा ने ये कहा, क्यों भाई सुखानंद कुमार कहाँ गया? महाराज क्या कहें, वो अपनी स्त्री के चली गई, निकाल दी किसो चल, तुम ही घर के राजा भाई, तुमने न्याय खुद कर लिया, तुम हमारे यहां क्यों नहीं आए? ठीक है तुम्हारी पाप भीरता अच्छी बात है, पाप से डरते हैं अज्ञानी जी, नहीं ज्ञानी जी, ज्ञानी जी पाप से डरते हैं, अब बात से डरते हैं। ज्ञानी जीवों का क्या लक्षण है? निंदा की परवाह नहीं करते हुए भी निंदनीय कार्य नहीं करते, प्रशंसा की चाह न करते हुए भी प्रशंसनीय कार्य करते, निंदा की परवाह नहीं है ले उसको, निंदा को अपने कर्म का उदय समझ करके समता से सहते हैं, लेकिन फिर भी निंदनीय कार्य नहीं करते, प्रशंसा की चाह नहीं है लेकिन फिर भी प्रशंसनीय कार्य करते, महिमा होए महान धर्म कार्य ऐसे करे, ये ज्ञानियों की सहज वृत्ति है। और अधिकांश फेल इसीलिए हैं कि अपने काम की खबर नहीं है, अपना काम पड़ा है, उल्टा सीधा है, अव्यवस्थित है, अपना जीवन अव्यवस्थित है और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप है। जो शिष्य बने बिना गुरु बनने की चेष्टा करता है वह पापी होता है। आपका भगवती आराधना में लिखा, शिष्य बना नहीं गुरु बनेगा तो क्या गुरुता करेगा जी, बताओ। हमें प्रवचन करना सीखना है कि सुनो प्रवचन सुनना सीख लो, पहले योग्य श्रोता बन जाओ, प्रवचन का अभिप्राय समझना सीख जाओ, इसमें सार क्या है ये समझ जाओ, उसके बाद प्रवचन कर लोगे। और प्रवचन सुनना नहीं सीखोगे तो प्रवचन करना कहां से सीखोगे? एक वहां की अपना पक्ष पकड़े बैठे और वही स्वच्छंदता पोषक अपनी चर्चा कर लोगे, वही शैली कर लोगे। शिथिलाचार पोषक वचन या स्वच्छंदता पोषक वचन असत्य वचन है। शिथिलाचार और स्वच्छंदता का पोषण नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण में कैसी चर्चा आई, यहां निकट में हमारे गुरु विराजमान हैं, चलो उनके पास से व्रत ग्रहण करेंगे, नियम ग्रहण करेंगे, दे समझाएंगे, हम का समझा, हमें क्या लेना देना। जो गुरुओं के रहते हुए स्वयं निर्देश करता है, स्वयं अनुशासन करता है, स्वयं उपदेश देता है, वह शिष्य भी नहीं है, गुरु तो है ही नहीं। शील कथा में यही तो कहा राजा ने, ठीक है तुम डर के मारे जो कुछ कर बैठे, लेकिन तुम ने खुद न्याय क्यों कर लिया? तुम यह राजा यहां क्यों नहीं आए? अब ठीक है तुम्हारे लिए यही दंड है कि सुखानंद कुमार को ढूंढ के लिया, ज्यादा दंड नहीं दे रहे, तुम्हारा अभिप्राय खोटा नहीं है इसलिए। लेकिन अभिप्राय क्या, ये खोटा काम है कि स्वयं मुखिया बन गए, जबरन मुखिया बन गए, और तुमने अपने आप वो मनोरमा को निकाल दिया और सुखानंद कुमार ने सुना तो वो भी निकल गया। तुमने समझाया क्यों, हम ये पूछ रहे, तुमने बिना पूछे दिखाई क्यों? बिना पूछे काम करने का जब एक नियम बनाते हो तो अपने लिए बनाओ। अगर इतनी बात पूछ ले, हमें वो बिना माता पिता के बच्चे वो कहानी दिखानी है, स्टोरी दिखानी है, फिल्म दिखानी है, तो हम मना कर देंगे क्या? लेकिन नहीं, आपस में लड़ मरोगे, वो कहेंगे फिल्म का को दिखाई, वो कहेंगे इसमें क्या हो गया, और अनुशासन भंग। अब क्या करोगे? सब तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगे,
अगर तुम पूछ लो हमको वहां जाना है इस कार्य के लिए, वो बुला रहे हैं, हम चले जाएं कि नहीं चले जाएं, आप बता दो हमारे की है? तो हम का मना कर दिए, लेकिन नहीं, हम बस प्रोग्राम बन गया हमारा, प्रोग्राम सेट है, वो फलाना हो गया, फलन तारीख को जा रहे, फलन तारीख को आ रहे। सोचो, विचार करो, सही नहीं होना वही तो गलत है, बिना पूछे काम करना गलत है कि नहीं? बिना पूछे काम सही करना भी गलत है, बिना पूछे क्यों किया? मतवाला माता को माता भी कहे तो सयाना तो नहीं है, अन्य कह दो सयाना है। अभिमानी बिना पूछे सही काम भी करे तो भी गलत है, क्यों? अभिमान गलत है, बिना पूछे किया क्यों उसने? एक आदत क्यों नहीं डालते हम, एक संस्कार क्यों नहीं बनाते कि हम बिना पूछे काम नहीं करेंगे? कोई पूछ करके ही करेंगे, कोई तो मुखिया होगा वहां, हम नहीं है, चलो जी तो हैं, जब नहीं है तब प्रतीक्षा करो, थोड़ी देर बाद करो, बाद में कर लेना, कल कर लेना, परसों कर लेना, पर्याप्त समय दे करके पूछो। और पूछने की भी विधि क्या है? मुझे साहब का जब निश्चिंत होकर के बैठे हो, कोई कार्य में नहीं उलझे हो दिमाग, और उसमें तब पूछा जाता है, तब प्रतिक्रमण किया जाता है। अरे संघ में तो वंदना भी तभी की जाती है, संघ में जब वंदना है, गुरु को वंदना जब करते हैं तो कैसे करते हैं? जब गुरु निश्चिंत होकर के बैठे हो स्वाध्याय कर, अगर दूसरे काम में उलझे वंदना, ये आएगा बीच में पांच हो गए, ये वंदना नहीं है, ये अभिनय है, अंतरा है, हैं? है कि नहीं है? अपना काम करो, निश्चय में भी अपना काम करो, अपने को आप रूप अनुभव करो, और व्यवहार में भी अपना ही काम करो, पर का काम मत करो, ये काम हमारा नहीं है। लक्ष्मण कह रहे हैं, न्याय न्याय हमारा भाई राम जाने, हमारा काम तो उसकी सेवा करने का है, वन में जाता है तो हम वन में जाकर की सेवा कर देंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं, न्याय रहो तो सेवा करेंगे हम, तो अपनी शर्त लगाओगे? ये चोरी भाई कि नहीं भाई? कि जमे का चोरी है? अरे जमे का चोरी, अब लड़ मरे आपस में, इसमें क्या चोरी हो गई? अब वो कह रहा बिना पूछे उठाई से चोरी हो गई। अरे भाई, अभिप्राय को समझना चाहिए और विवाद में नहीं उलझना चाहिए। तुम्हारी मजबूरी भी शाकाचार में लिखी है, अगर गुरुजन नहीं हो और कार्य करना हो तो कार्य करे विवेकपूर्वक, परंतु जितनी जल्दी उनको बता सके उतनी जल्दी बता दे। अब तुम चार चार दिन नहीं बचाओ, लड़ो और फिर कहो कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, सारे वातावरण खराब करो तो क्या करेंगे? और जे चुप वो टेम ही नहीं है, टेम होगा ही नहीं, तुम्हें टाइम की कीमत नहीं है, तुम्हें टाइम की कीमत कहां है? अरे तुम्हारी शिकायत कोई दूसरा करे ऐसा अवसर मत दो, तुम अपने दोषों का स्वयं निवेदन करो, तुम अपनी गलतियों को स्वयं बताओ। जे कहें कि जे ऐसा कर रहा है, इससे कलंक की बात क्या है? तुम्हारा साधक पना नहीं है फिर? दो बातें निश्चय की सीख ली तुमने, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, लेकिन स्यादवाद तो लगाओ, स्याद
सर्वथा करता नहीं है क्या? निमित्त निमित्तिक भाव से करता भी कहा जाता है, अशुद्ध निश्चय से करता भी कहा जाता है, शुद्ध नहीं करता नहीं, ऐसा जानकर विशुद्धता की ओर बढ़ो। और बस समझाने लगे, गुरु बन गए फटाफट, हम समझा देंगे, हम सुधार देंगे, हम कर लेंगे। ये अहंकार की भाषाएं हैं, हम क्या कर पाएंगे? न होते हुए कार्य को हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारी जिम्मेदारी हम कर देंगे तुम। अरे तुम्हारे उदय से आ रहे, हम क्या कर पाएंगे? अगर असाता का उदय आएगा और कोई बीमारी होगी तो हम क्या करेंगे? इसमें हम क्या बांटेंगे बताओ? साता का उदय हुआ और कोई अनुकूलता बन गई तो इसमें हमने क्या किया? लेकिन वो हमने किया, हे भाई तुम इन विकल्पों की चिंता माने सर्व विकल्प, विकल्पों की निरर्थकता का भली प्रकार विचार करो। बारह भावनाओं का, अध्रुव अनित्य शरण का बारंबार विचार करो। ये नहीं है कि एक दफे पढ़ ली, हमने पाठ किया था, ऐसे पाठ से कुछ नहीं होने। स्वाध्याय नहीं करने वाले तो भूल में हैं, लेकिन परलक्ष्य से स्वाध्याय करने वाले भी पापी हैं। स्वलक्ष्य से स्वाध्याय करो, अपनी परिणति को निर्मल बनाने के लिए, अपने अभिप्राय को सम्यक बनाने के लिए, तत्व निर्णय करने के लिए स्वाध्याय है। आपको एक दृष्टांत दिया था, देखो श्रावक अपने लिए भोजन बनाता है, उसमें से मुनराज को देता है, ये विधि है। ऐसे ही आप अपने लिए स्वाध्याय करिए, औरों को रुचवान देगा तो उनको भी सिखा बता दो, कोई बात नहीं। अरे माँ भी बेटे को लाएगी गुरु के पास तो सिखा के लाएगी, वहां हाथ जोड़ना, वहां नमस्कार करना, वहां इतनी दूर खड़े हो जाना, फिर ज्यादा मत बोलना, सिखा के लाएगी। माँ ही सिखा दे तो गुरु का पास सिखाए को ला रही, सोचो। लेकिन गुरु के पास कैसे जाया जाता है, ये मां सिखाएगी उसको? नहीं, मां गुरु का उपदेश दे रहे और गुरु के पास आकर के वैसे हो जाए, और फिर गुरु वो मां का उपदेश देने लगे, तुम्हें खड़े होना भी नहीं आता, तुम्हें बैठना भी नहीं आता, तुम्हें कैसे करना नहीं आता। अब जीव गुरु को सिखाए और वो मां सिखाए, क्या तुम अशुद्ध है? चैतन्य स्वरूप है, आनंदमय। अरे ये गुरु सिखाएंगे, और शिष्टाचार व्यवहार आप मां को सिखाना होगा। चिंता अज्ञानमय भाव है, चिंता से अज्ञान ही बढ़ता है। चिंता करने वाला जीव अपने अज्ञान को ही प्रकट कर रहा है, अज्ञान में ही चिंता हो रही है। अब जब अज्ञान से होने वाली चिंता, हाँ भाई अब आगे बोलो, पूछ बा स्वामी का उपदेश बोलो, कुछ तो बोलो। वैसे ही इतनी दूर से चले आए, क्यों? आत्मज्ञान के अभाव में होने वाला दुख आत्मज्ञान से ही मिटेगा, ये पूज्यपाद का उपदेश है कि नहीं? तो आत्मज्ञान का अभाव का अज्ञान का एक ही बात है कि नहीं? ठीक है ना, तो अज्ञान से होने वाली चिंता, हाँ बोलो, ज्ञानाभ्यास से ही मिटेगी? अरे इतनी बुद्धि तो कम से कम खोल के रखो भाई। आत्मज्ञान के अथवा अभाव में होने वाली चिंता, तत्व ज्ञान के अभाव में होने वाली चिंता ज्ञान अभ्यास से ही मिटेगी, और कोई उपाय भी नहीं है।
जिस कार्य की हम चिंता कर रहे हैं और वह कार्य हो जाए तो नए कार्य की चिंता लग जाएगी। ये लड़की का विवाह करना है, अब विवाह हो गया तो विदा करनी, गोना करना है, फलाना करना है, उसको पक्ष देना है, उसको जे करना है, जिंदगी भर करना ही करना तो रहेगा भाई। विवाह हो जाने से उस लड़की का निश्चिंत तो नहीं हो गए, चार दिन बाद विदा करानी है, कौन जाएगा, कैसे आएगा, गाड़ी चल रही कि नहीं, फलाना हो गया कि नहीं, और मिठाई बन गई कि नहीं, चिंता लगी। एक कार्य होता है दूसरे कार्य की चिंता लगती है, रेट की घड़ियां एक ओर से भरती हैं एक ओर खाली होती हैं, एक ओर भरती हैं एक ओर खाली होती हैं, मथानी की डोरी एक ओर से बनती जाती है एक ओर से खुलती जाती है, एक ओर से खुलती जाती दूसरी ओर से बनती जाती, फूटे घड़े में पानी ऊपर से भरता जाता है नीचे से निकलता जाता है। सब भगवती आराधना के दृष्टांत हैं। विचार करो, अकेले में बैठ करके स्वाध्याय करो, कम से कम 40 वर्ष पहले की बात है, ट्रेन में एक ब्रह्मचारी मिल गए, कहाँ जा रहे, हम वहां जा रहे, तुम भी वहां जा, तो वो आश्रम में रहते थे, बोले हमारे आश्रम का नियम है पहले 3 साल बैठ करके चुपचाप बोलो मत ही सुनो बस खाली, लिखो देखने की मने नहीं लेकिन छपाओगे नहीं, किताब जल्द निकले तो अच्छा हो छपान लगे, और वैसे प्रकाशक मिल जाते पैसा देने बारे या महिला मिल जाती है मंडल मिल जाते छपन लगी, कितनी किताबें छप गई, अरे भगवान इतनी किताबों की जरूरत भी क्या होगी सोचो, हर आदमी दूसरों को समझाने में लगा, किसी को समझाओगे नहीं, निर्देशन नहीं करोगे, चुपचाप रहोगे और चुपचाप स्वाध्याय करोगे, चुपचाप सुनोगे, उसका विचार करोगे, उसके बाद जब हम कहेंगे तब अधिष्ठाता कहेगा तब, 30 साल पहले वो ब्रह्मचारी बोले आश्रम में हमारे यहाँ ये व्यवस्था है, हमने बात ठीक है, अरे हमने कहा आश्रम में क्या संघ में भी यही व्यवस्था है, दीक्षा के बाद भी बाघ दीक्षा होती है, तुम्हें बोलने का अधिकार दे किसने दिया, अधिकृत वक्ता अधिकृत क्या था अधिकार, दिखा तुम्हारे पास क्या है, तुम पहले अपना तो दिखाओ कार्ड, तुम हो को ठग तो नहीं आ गए वेश बना करके, तुम देखने वाले होते कौन हो, तलाशी लेने वाले होते कौन हो, तलाशी लेने वाला उसके पास होगा कार्ड होगा कि नहीं होगा, परिचय पत्र होगा कि नहीं होगा उसका, इनको तलाशी लेने का अधिकार है, आप दे गए अधिकार, भाई कहां से अधिकार मिला तुम्हें, शिकायत करने का दूसरों की शिकायत करने का अधिकार कहां मिल गया, कैसे मिल गया बताओ, अरे सवेरे ही पहुंच गया वो, हम ऐसा करते हैं हमने तुम कछु मत करो, बात तो ठीक है बस चल रहे बढ़िया, हमने कहा बेटा अभिमान से जो करोगे सो ही गलत करोगे, सही भी गलत है तुम्हारा, अभिमान से किया गया सही कार्य भी गलत ही है, उसका दृष्टांत हमने आपको समझा दिया, मत वाला माता को माता भी कहे तो सयाना नहीं है, उन्मत्त अवस्था, मत वाला माता को माता भी निकल जाए मुंह से तो उसे कौन, उसे माता किसको कहते और पत्नी किसको कह रही, आदि समस्याएं नहीं,
90% समस्याएं सुलझ जाए हमारे जीवन में, अगर इतने इतना अनुशासन हमारे जीवन में आ जाए, बिना पूछे कुछ नहीं करना है, दूसरों को समझाने में नहीं लगना है, गुरु में जल्दी से नहीं बन जाना है, अपना हित पर दृष्टि रखो, अपना काम करो, उसके बाद चलेंगे आगे चलेंगे। ज्ञान मौनम बहुत कठिन है, जो बात जानते हैं और मौन रहे हैं बहुत कठिन है, बहुत कठिन दुर्लभ है। और ज्ञान का फल मौन ही है। ज्ञान मौनम बहुत कठिन है, तुम्हें आता हो तुम जैसे ओढ़ भूल जाएंगे, अज्ञान से मेरा नाम, तुम्हारे ओर खुल जाएंगे, तुम्हें आता है सुख तो अज्ञान से मेरा नाम झट से बोलोगे, सुन नहीं पाओगे, चुपचाप उसकी महिमा नहीं विचार करोगे, गुरु की महिमा क्या है, लेकिन तुम बोलने लगोगे अज्ञान से मेरा नाम ज्ञानांजन सला कया, बोलने लगोगे फटाफट। ज्ञान होने पर, उसकी जानकारी होने पर मौन होना बहुत कठिन है, और ज्ञान का उत्कृष्ट फल भी मौन ही है। अरे सोचो, जो जानते हैं वो तो हमारा है ही, जो नहीं जानते उसको और जान लो, मौन कहाँ रहना चाहिए, कब रहना चाहिए, किस लिए रहना चाहिए वो समझाओ आप, जहां विवाद के प्रसंग हो वहां मौन हो जाओ, वहां क्रोध के प्रसंग मौन हो जा, अपनी प्रसन्नता सुन के मौन हो जाओ, नहीं निषेध करो हम इस लायक नहीं है, प्रशंसनीय तो वे हैं जो अपने स्वरूप में मग्न है, प्रशंसनीय तो वे हैं जो निर्गंत अपनी आराधना कर रहे हैं, हम काय के प्रशंसनीय है। सबकाचार में ये काय ऐसी भाषा लिखी है, मिलती जुलती हो, हम कह रहे हैं हम काय के प्रशंसनीय है, कथाओं में पड़े हुए जीव हैं, परिग्रह में उभरे हुए जीव है, हम काय के प्रशंसनीय, प्रशंसनीय तो वे हैं जो अपने स्वरूप की आराधना में लगे हैं, अपने दोषों को कि मन के दोषों की, स्वप्न के दोषों की भी निंदा ग्रह कर रहे हैं, और हम स्थूल दोषों की भी निंदा ग्रह नहीं कर पा रहे। अरे प्रशंसनीय तो वे है, सीता को निर्दोष जानते हुए भी निर्दोष परंपरा के लिए उन्होंने वनवास दे दिया राम ने, हम धर्म की प्रभावना के लिए अपने दोषों को नहीं छोड़ पा रहे, प्रशंसनीय तो वे हैं, हम काहे के प्रशंसनीय, गाना अच्छा गाते इसका अर्थ तो जानते नहीं, ये सोचो गायबो जाने वो बात का मतलब हो, उसका अर्थ तो समझना चाहिए, भाव तो समझना चाहिए। और पढ़ने को पढ़ोगे पाठ वो बहुत, इतनी मंद कथाए होए उसका न करूं अभिमान कभी, लक्ष्य पूर्णता का अपना कर सऊ परी से दुख सभी, बस वो कछु मतलब नहीं, और जर से वो ही करने लगे, क्या मेहनत लगे, अब भूल तो जे है अयोग्य को योग्य मान बैठे हो। हमने उस दिन कहा था हैं कि तुम जिसको तुम अभिनय है उसको विनय मान बैठे हो, गलत है वो सही मान बैठे हो, हम ही का गलती, इसीलिए लगता बार बार हम ही का गलती, हम क्या करें, हमने क्या करो, तुमने क्या किया, सचमुच नहीं किया, सच बात है, अनाधिकार की ज्ञाता रहे हो, लेकिन ज्ञाता रूप अनुभव तो करो, तब तो ज्ञाता रहे हो, तुम्हें क्या करना चाहिए ये मत देखो, हमें क्या करना चाहिए, तुम जोर से भी बोल जाओ तो हमें सहन करना चाहिए अपने उदय विचार करके, तो अब हमने सहन नहीं करी तो हमने हमारी गलती कह रहे,
उत्तेजित हो रहे हैं, यही तुम्हारी गलती है, हमारी क्या गलती है, हमारी क्या गलती है, यही तो गलती है। अपना कर्म उदय जान करके, अपने पाप का उदय जान करके सहन करना चाहिए कि नहीं? जो घटना तुम्हारे सामने घटी, जो शब्द तुम्हारे कान में पड़े, जो दृश्य तुम्हारी आंखों के सामने देखा, वो तुम्हारे उदय के बिना तो नहीं आया है? कुछ तो उदय तो है ही तुम्हारा। अब उदय को न देख करके और उदय में जुड़े वो तुम्हारा वर्तमान का दोष है कि नहीं? अब वो तुम कह रहे हमारी क्या गलती, हमारी क्या गलती, यही गलती, हमारी क्या कमी है, यही कमी है जो अपने में तुम कमी देख रहे हो और अहंकार से पूर्णता देख रहे हो, दिखाने के लिए कमी कह रहे हो। अरे स्वाभाविक पूर्णता को देखो और वर्तमान पर्याय की कमी देख दे, कमी 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 की तो है नहीं, और कहा है? बताया था ना ऊंट की गर्दन को देखकर के गर्दन कैसी टेढ़ी है, तुमने देखो कहा पांव टेढ़े, पत्ते चालू टेढ़ी है, सब काम टेढ़े टेढ़े। जब मोह की दशा में तुम सोचोगे हमारी कमी क्या है, तो तुम दूर करने का उपाय क्या करोगे? मैंने पूरा योग्य व्यवहार लिखा श्रावकाचार में, श्रावक के योग्य व्यवहार लिखा कि नहीं? श्रावकाचार कितने दिन से नहीं पढ़ो, बहुत दिन से नहीं पढ़ो, अनसमय सार पढ़ रहे, नियम सार ही पढ़ रहे। अरे वो अंतर का व्यवहार है, वो बाहर का व्यवहार है। ये बताओ बुखार की दवाई इंजीनियरिंग के काम में देखोगे तो कैसे मिलेगी? और जी भीम कितनों मोड़ रहे उनकी डॉक्टरी किताब में देखो तो कहां मिलेगी? समाचार में तो ये लिखेगा आत्मा बोलता नहीं है, लेकिन बोलना जब होता है तब कैसे बोलता है ये तो श्रावकाचार में लिखा होगा। अब तुम पढ़ोगे नहीं श्रावकाचार, और पढ़ोगी तो अनादर से पढ़ोगी, अखबार की तरह पढ़ जाओगी, ये तो हम जानते हैं, ये तो हम जानते हैं, ये तो हम जानते हैं। अब तुम्हारा जीवन कैसे सुधरेगा? तुम उसका अज्ञाता मान बैठे हो और एक और मान्यता खराब हो गई, ये तो अनंत बार किया, तो अब बिना करें कर्म जहां तो ये तो अनंत बार किया, अनंत बार भले किया हो लेकिन परमार्थ को समझने के लिए यही करना होगा। पहले भले अनंत बार करो, सवेरे से चूल्हा जलना, लेकिन चौका में रोटी बनाए हुए के लिए चूल्हा जलाना पड़ेगा। अब सवेरे चूल्हा तो सवेरे चल रहा है, अरे सवेरे जल रहा तो पानी गर्म हो रहा, ताप रहे हैं और काम हो रहे, बात का मतलब इसका मतलब बिना चूल्हे की रोटी बनाओगे क्या? ये कोई बात रही? मैंने इतने छल ग्रहण करे हैं, इतने अपनी कसायों के पोषण में लगे हैं कि किसी को समझना नहीं चाहते। तो उसका फल तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा भाई, दूसरा तो नहीं भोगा। और फिर चिंता में पड़े, टेंशन में पड़े, घुटन हो रही है, कुंठा हो रही है, हम तो अल्पसुप्त हम मान रहे बहुत सुप्त हैं, बिल्कुल कह रहे हैं यार अल्पसुप्त हैं, अज्ञानी है और मान रहे महाज्ञानी है। और नहीं तो अज्ञानी दूसरे को तुम्हें, अगर तुम्हें ये लगता है हम अज्ञानी है तो दूसरे को समझाने के लिए क्यों नहीं अज्ञानी बन जाते, फिर दूसरे को कैसे समझाने जाते? फिर क्यों जो मानते हो कि हम बढ़िया चर्चा कर लेते हैं? हमने आपको बार बार कह दिया हम शास्त्र पढ़ाने नहीं बैठे हैं, शास्त्र तो आप पढ़ लोगे कोई दिक्कत नहीं है। अध्यापक प्राइमरी में बच्चे को आ आ ई सिखा देता, किताब पढ़ने तो अपने आप सीख जाता वो, लेकिन उच्चारण अगर गलत होंगे तो किताब भी अशुद्ध पड़ेगा, वाह की जगह वाह पड़ेगा तो क्या हो किताब गलत हो जाएगी।
बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों को, हम जानते हैं, बैठ के लगानी पड़ती थी प्राइमरी मास्टर को, ट्रैक पट्टी पे बैठते थे बच्चे, अब उसको उसके पास बैठे, फिर उसके पास बैठे, फिर उसके पास बैठे, फिर उसके फिर खड़े हुए, फिर बैठे, एक एक बच्चे को देखना पड़ता है, हंसते हो तुम, अब तो कुर्सियों पर बैठते हो, इसलिए क्या कहें हम, और कॉलेजों में तो पढ़ाई ऐसी होने लगी, प्रोफेसर नीचा खड़ा नीचे और लड़के ऊपर, अब जो ऊपर बैठ के पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा बताओ, हम ये पूछ रहे, पहली गलती भूल हो गई, वो साहब दिखाई नहीं देते, अरे दिखाई नहीं देते तुम देखना जानते ही नहीं, राजा से भी उस लड़के ने यही कहा था, आप प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हो तो उतर के नीचे आ जाओ पहले, आप ऊपर से बैठ करके प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हो सिंहासन पर बैठ के, राजा ने कही भूल गलती हो गई, तुरंत बच्चे को सिंहासन पर बैठ गया और राजा नीचे खड़ा हो गया, उसने जवाब दे दिया, देखो ईश्वर यही करता है, राजा को खड़ा कर दिया और अपन इसको सिंहासन बैठा दिया, ईश्वर क्या करता है देखो क्या करता है, कहने का मतलब ये है, देखो ईश्वर करता है ये बात नहीं कहनी है, बात ये कहनी है कि हम कैसे करना चाह रहे हैं, भैया जो कार्य होता है वही होता है, ठीक है, और जब होना होता है तभी होता है, ये बात सही है, और जिस प्रकार होना होता है उसी प्रकार से होगा, बोलो क्या दृष्टांत दिया था बता सकते हो, बताओ प्रसिद्ध दृष्टांत है, कम 10-5 दफे दे चुके होंगे तुमसे तुम्हारे सामने, अभी याद आ जाएगा, फसल गेहूं की फसल चैत के महीने में आती है, ठीक है ना, लेकिन भले आदमी उसके खेत में आती है जिसके बीज जिसने बीज बोया है, हर किसी खेत में आ जाएगी जिसने योग्य समय पर बीज बोया है, योग्य समय पर सिंचाई की है, योग्य समय पर निराई की है, योग्य समय पर देखभाल की है, उसने निगरानी की है, उसकी फसल आती है। अब जिसने न पाड़ बांधी न बीज बोया न उसने सिंचाई करी, सूख रही है तो सूख रही है फसल, न उसने निगरानी करी, उसके खेत में क्या आएगा भैया, अब वो बैठा रहे, देखो गेहूं की फसल मार्च में आती तो मार्च में आएगी, अभी तो दिसंबर है, अब क्या करना, अरे अभी बीज बोना है, बोला 10 रुपये दृष्टांत दिया है कि ये तुम्हारे सामने के नहीं दिया, 10 बार दिया होगा तुम्हारे सामने से कम से कम, गेहूं की फसल चैत में आती है बस, जब जो होना होता है सो होता है, अरे जब जो होना होता है वो 5 संभाग को गौण करके फिर 1 संभाग को मुक्त करके कहो 4 संभाग गौण करो, निषेध मत करो, जब होना होता है तब ही होता है, लेकिन पुरुषार्थ पूर्वक होता है, योग निमित्त होता है, जिसका जो स्वभाव है सो ही होता है, ऐसा थोड़ा ही है कि स्वभाव नहीं है सो हो जाता है, इस चौकी कभी ज्ञानी हो जाती रोज टाइम से बैठती है, चौकी कभी ज्ञानी नहीं होती, और तुम बेटाइम बैठोगे तो ज्ञानी नहीं होगे, तुम्हें ज्ञानी होना है तो टाइम से बैठो, लेकिन चौकी चौकी तो टाइम से बैठती है, अब चौकी से क्या मतलब तुम्हें, वो उसका स्वभाव ही नहीं है ज्ञान, वो ज्ञानी थोड़ी हो जाएगी, ये चौकी का दृष्टांत दे करके तुम अपने परमार्थ का पोषण करना चाहते हो क्या, अधूरी क्यों पढ़ते हो, जब जो होना है सो हो जाएगा, नहीं जब जिस विधि से जो होना है उसी विधि से होगा, उसमें योग निमित्त भी होगा और जिसका स्वभाव है वही होगा,
जैसे सीखा जाता है वैसे ही सीखा जाएगा। कोई अभिमान से आज तक सीख पाया बताओ भाई? जितने भी सीखे हैं वो विनय से ही सीखे हैं, जिज्ञासा से ही सीखे हैं, मेहनत करके सीखे हैं, एकाग्रता से सीखे हैं। और तुम अभिमान से सीखो और चंचलता से सीखो और प्रमाद से सीखो तो सीख जाओगे, 100 साल में नहीं सीखोगे। अब मान लोगे हम 6 उपशम तुम्हारे ज्यादा हो तो मान लेगा कि बस हम सीख गए। शब्द याद होने से अगर सीखना हो जाता, समझना हो जाता तो ये दुष्टर क्यों कहते पाठ याद नहीं है हमें, इतना याद नहीं हुआ, क्रोध नहीं करना। क्रोध का कोई प्रसंग नहीं बना तो क्रोध नहीं हुआ, इसमें क्या हो गया? क्रोध का प्रसंग बने और क्रोध न हो गए, याद हो गया। तुम इस इंद्रिय ज्ञान को, इस शाब्दिक ज्ञान को ज्ञान माने बैठे हो। क्या कहा? अज्ञान से होने वाली चिंता ज्ञानाभ्यास से ही मिटेगी। और देखो यहां अज्ञान का अर्थ बाह्य ज्ञान का अभाव नहीं, आत्मज्ञान का अभाव है, तत्व ज्ञान का अभाव, ठीक है ना? बाहर की लाइट जला देना, ए भैया ये लाइट जला दियो और भाग के गए जे और मंदिर के बाहर बाहर लाइट जलाया है तो का मतलब निकल? बाहर की लाइट से भीतर का उजाला कैसे हो जाएगा, अंधेरा कैसे मिटेगा? तो आत्मज्ञान के बिना होने वाला दुख बाह्य ज्ञान से भी कैसे मिटेगा, इंद्रिय ज्ञान से कैसे मिटेगा, शास्त्रीय ज्ञान से कैसे मिटेगा? जो चिंता वस्तु व्यवस्था को जाने बिना हुई है वो वस्तु व्यवस्था को समझे बिना कैसे मिटेगी? वस्तु व्यवस्था समझोगे तब मिटेगी, और दुनिया की बातें समझते रहोगे उससे क्या होगा? अरे भूगोल की परीक्षा में पास होने के लिए भूगोल का ज्ञान चाहिए, हिंदी का ज्ञान थोड़ी काम देगा उसमें, इंग्लिश का ज्ञान थोड़ी काम देगा, भूगोल का ज्ञान चाहिए। तो आत्म ज्ञान के अभाव में हुई चिंता और बाहरी ज्ञान से मिट गया। हम तो खूब ज्ञान अभ्यास कर रहे हैं, हम तो खूब पढ़ रहे हैं, हम तो खूब याद करते हैं, हमें तो श्लोक याद है, हमें तो अर्थ याद आता है, हमें चाहे कहीं से पूछ लो। अरे हम कहां चाहे कहीं से पूछ लो, अभिमान आया ना तुम्हें, कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ, चाहे हट नहीं आता। अगर ज्ञान हुआ होता तो अभिमान नहीं आता, ज्ञान में मान नहीं होता, मान में ज्ञान नहीं होता। हम क्या पूछ ले, तुम ही पूछ ले। अगर ज्ञान है तो फिर चाहे कहीं से पूछ लो, ये बात कहां से आती, ये रौब कहां से आता, ये अभिमान कहां से आता? इसका मतलब है अभी ज्ञान नहीं हुआ, फिर दोबारा पढ़ो। अरे एक एक इंद्रिय वृक्ष है, उस पर भी फल आते हैं तो नम जाता है। तुम्हें ज्ञान हुआ तो तुम्हारा मान नहीं टूटा, नमे नहीं तुम। अज्ञानी को जितना पढ़ता है, सुनता है, देखता है, करता है, घूमता है, फिरता है, अहंकार बढ़ता है, ज्ञान नहीं होता, ज्ञान है ही नहीं। अज्ञानी को ज्ञान ही नहीं है, उसको ज्ञान बढ़ेगा क्या? और मान लेता है हमें बहुत ज्ञान हो गया, पहले हम कुछ नहीं जानते थे। अरे मूर्ख अब भी कुछ नहीं जानता, बिजली का तार जब तक इतना दूर हो चाहे इतना दूर हो चाहे इतना दूर हो, लाइट तो नहीं जलेगी, तुम अपने से इतनी दूर और लाइट तो नहीं जलेगी। अपने से अनजान, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे, सोचो इसका अर्थ क्या हो गया? अपने को जानकर ही जीव ज्ञानी होता है, अपने को ज्ञान स्वरूप जानते हुए ही जीव ज्ञानी होता है, अपना सुख अपने में जानते हुए भी जीव ज्ञानी होता है, होता है और होता ही है। तुमने ये सोच लिया कि कब और के लिखो, छल ग्राही श्रोता, अब छल है कि नहीं है बताओ? हम
हम योग्य व्यवहार करेंगे, हम संकोच छोड़ेंगे, ये सब में सारे वाक्यों में छल है कि नहीं है जो बता रहे ईमानदारी। उसके बाद सोचोगे भी नहीं योग्य व्यवहार क्या है। हम तो कह आए, हमने कह दी, उसके बाद सोचोगे भी नहीं योग्य व्यवहार क्या है, संकोच क्या है, जानते संकोच। एक बहू आई, विवाह होकर के आया, अपने लड़की थी तो वहां अच्छे भजन गाती थी, तो उनको मालूम था गांव वालों को, तो वो साथ में बैठ गई, उन्हें ये बेटा भजन गाओ। अब वह संकोच कर रही और वहां खड़े होकर बातें कर रही, हम संकोच नहीं कर रही। मैंने भजन गाने में संकोच आ रही और दरवाजे के बीच में खड़े होकर बातें कर रही, हम संकोच नहीं है। परिचितों की इतनी घूंघट कर ली और बैठ मुंह खोले फिर रहे, संकोच है जी, संकोच है। बोलो बोलो संकोच। अगर संकोच है तो सर्वत्र संकोच होना चाहिए। हैं, मां ने कहा बेटा रोटी खा ले, भूख नहीं है, कि कचौड़ी बनी है तो लाओ एक दे दो। झूठ बोलता है, भूख नहीं है, भूख नहीं होती तो आप भूख कहां से आए हो। भूख नहीं है तो अब भूख कहां से आ गई, इसका मतलब था बहाना था, भूख नहीं थी। छल ग्राही और हट ग्राही श्रोता उपदेश का पात्र नहीं होता, नहीं होता उपदेश नहीं होता, समझे मारे बैठे रहना, फिर चिंता में पड़ जाना, फिर टेंशन में पड़ जाना, बस पड़े रहना, कुंठा में बीमार हो जाना घुट घुट कर, और कुछ नहीं होगा। अरे ये मजबूरी की बातें हैं, शौक की बातें नहीं है कि हम यहाँ बैठे हैं। अब तुम सोचो हमें कब गद्दी मिल जाए, अरे काकन ने गद्दी को, ये गद्दी हमारी गद्दी सबसे बढ़िया है, कहा लेने लेने हमें, हमें कहा लेने लेने। सुनाए बिना अनेकों जीव तिर गई, मुख चले गए कि नहीं, लेकिन सुने बिना कोई गया हो तो बता दो, सुनाए बिना तो बहुत से जीव मुख चले गए, लेकिन मुख केवली होते हैं कि नहीं, अंतकृत केवली होते हैं, उपसर्ग केवली होते हैं। सुनाए बिना तो मुख चले गए, लेकिन सुने बिना मुख चिकाए हैं कोई आज तक, देशना लब्धि के बिना सम्यक्त भी नहीं होता। विचार करो भाई, चिंता अज्ञानमय भाव है, ये चिंता हमारी मिटे कैसे, इस बात को सोचो। तम उपायम विचिंतये, उसके उपाय का चिंतन करो। ये चिंता वस्तु व्यवस्था को समझने से मिटेगी, और कोई हम सोचें ये लड़का सुधरेगा कैसे, सुधरेगा कैसे, ये तो बड़ा ढीठ है, ऐसा है वैसा है, तो भैया सुधर तुम्हारी चिंता से थोड़ी सुधर जाएगा, जब उसका समय आएगा वो सुधर जाएगा, तुम्हारे विकल्प से कुछ नहीं होगा, बस खत्म मामला। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रे, जो तेरी झरना गए तो पावे, या वाणी के ज्ञान के तुझे रोकालो, तो वाणी मस्तक सदा जीत हूँ धो।